पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव ने आज जन विश्वास महारैली का आयोजन पटना में किया था और इस आयोजन के बाद से चर्चाएं जहां एक तरफ तेज हो रही हैं कि तेजस्वी यादव ने इतनी भीड़ कैसे जुटा ली, जनता इन पर इतना ज़्यादा विश्वास कर रही है, इतना ज़्यादा भरोसा कर रही है, कि वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा आह्वान कर दिया था। इतना ही नहीं, आज के भाषण में जहां तेजस्वी यादव आरजेडी और माई बाप का समीकरण समझा रहे थे, तो वहीं आपको ये बताते चले कि नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं हमला करके अपने लिए मुसीबत मोल ली है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने हिंदू नहीं बताया है, उसके बाद से उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद यादव पर पटना में FIR दर्ज हो गया है, नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी कसना, राजद को मांगा पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से FIR दर्ज किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव पर थाने में पहुंचकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी कसी गई थी और इस अभद्र टिप्पणी के बाद से लालू प्रसाद यादव पर कहीं ना कहीं ये FIR जो है वो दर्ज कर दिया गया है। आप तस्वीरें देखिए, कृष्णा सिंह कल्लू और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पहुंच गए हैं पटना के थाने में और FIR उन्होंने दर्ज करा दिया है। जब पूरे मामले पर हमने बातचीत की है, हमने पूछा है कि आखिरकार क्या मामला है, क्या वजह हो गई कि आप लोगों को FIR दर्ज करना पड़ा है, तो सुनिए कृष्णा सिंह कल्लू तमाम विषयों पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज राजद के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का प्रयोग उन्होंने जो किया देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उनकी मां को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, राम मंदिर को लेकर, कहीं ना कहीं इस शब्दों से पूरा देश के आस्था के ऊपर ठेस पहुंचने का कार्य किया है। और कोई शब्द नहीं है, हम क्या कहें, किसी के मां के ऊपर अगर कोई शब्द कहे दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण। आप भावुक हो गए? नहीं, चूंकि नरेंद्र मोदी की माँ जो है हमारी माँ है और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर किसी की माँ आदरणीय लालू की माँ नहीं है क्या? राबड़ी जी भी हमारी माँ स्वरूप है, जो माँ इस दुनिया में नहीं है उसका जिक्र आदरणीय लालू जी करते हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने आवेदन दिया है गांधी मैदान थाने में, FIR दर्ज करके उन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि वह व्यक्ति जो जीवित नहीं है उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करना, और ये कहीं से अच्छी बात है तो आप मुझे बताएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।